तो आज मेरी रसोई में बना रही हूँ मैं रस्क की रेसिपी, यानी जो टोस्ट होता है जो हम चाय के साथ कॉफ़ी के साथ खाते हैं, तो वो मैं आज बना रही हूँ। एक्चुअली ये मैं क्यों बना रही हूँ ना, इसके पीछे का एक रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे शक्कर ले लिया एक बड़ा चम्मच, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और दूध मैंने डाल दिया। दूध डाल के शक्कर को अच्छे से घुलने तक मिक्स कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ईस्ट, और इन सब के ना मेजरमेंट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और ये एक्टिव ईस्ट है, इसे मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपके पास में इंस्टेंट ईस्ट है तो उसे एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसे आटे के साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये ईस्ट एक्टिव हो चुका है। ईस्ट डालकर मैंने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था और 10 मिनट में ये एक्टिव हो गया है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप जितनी सूजी। तो यहाँ पर मैं मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। और इसी के साथ में मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से ना एक अच्छा मिल्की फ्लेवर आ जाएगा इसमें, रस्क में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में भी। तो आज क्या हुआ ना, सुबह हम लोग बस ऐसे ही जब चाय पी रहे थे तो मैंने इनसे बोला कि मुझे ना रस्क खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने मुझे बोला, इतनी चीज़ें बनाती हो तुम्हें रस्क बनाना नहीं आता क्या, वो भी घर में बना लो। तो ना मैंने इसे एज अ चैलेंज ले लिया कि ठीक है, मैं ना आज आपको रस्क बना कर ही बताऊँगी, और शाम की चाय के साथ में हम रस्क घर का बना हुआ खाएंगे। और बस फिर क्या था, मैंने अपना फ़ोन उठाया, कैमरा ऑन किया और आ गए किचन में। और फिर मैं सोच रही थी कि मैंने ब्रेड तो बनाई है और पाव भी बनाई है, लेकिन अब मैंने टोस्ट कभी नहीं बनाया है। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब ब्रेड बना सकते हैं तो टोस्ट भी हम बना ही लेंगे। तो देखिए, जब बातों बातों में ना मैंने यहाँ पे जो सूजी है उसको अच्छे से मैंने दूध के साथ में मिक्स कर दिया है। और इसका ना हम जैसे हम आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से आटा लगा के रेडी कर दूंगी मैं, क्योंकि सूजी ना बहुत चिपकती है हाथों में, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया था। और बस अब एक ना इस तरह से गोला बना के रख दूंगी। और ये थोड़ा इतना अभी नरम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे ना तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है ना बहुत ज़्यादा पानी को खींच लेता है। इसे ना हमें ज़्यादा देर तक भिगा के नहीं रखना है, बस सिर्फ 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो अमूल बटर था मेरे पास वो मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया। अब इस बोल में ना ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे इसे ले लिया है। तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा क्लीन कर लिया मैंने, और अब मैंने इसमें यहाँ पर रख दिया है। अब इसे ना अच्छे से हमें गूँथना होगा, एकदम ना सॉफ्ट डो बनाना है हमें, लेकिन मुझे ये थोड़ा सख्त लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना दूध का यूज़ किया है। तो अगर आपको भी ऐसे लगे कि थोड़ा सख्त है, हार्ड है, तो आप यहाँ पे थोड़ा दूध डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए 1 चम्मच जितना दूध मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस थोड़ा सा दूध मैंने लिया है। और इसे ना मैंने करीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसे मसल मसल कर ना एक अच्छा चिकना मैंने सॉफ्ट डो इसका बना लिया है। पहले पहले आपको लगेगा कि ये बहुत चिपक रहा है, लेकिन आप बस इसी तरह से इसे मसलते रहिए। और अब 5 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल एकदम है ना सॉफ्ट बन गया ये डो, और अब ना मैं ना मेरे हाथों पे चिपक रहा है ना ही ये प्लेटफॉर्म पर। मैंने इस पर थोड़ा सा और बटर लगा दिया है, और फिर से मैं इसे 1 मिनट के लिए और इसे मसल दूंगी। और अब देखिए ये ना जो आटा है ना फट भी नहीं रहा है, जैसे हम खींचेंगे ना तो ये इस तरह से देखिए फटेगा नहीं। अब ये सूजी का आटा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे ना 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक चाकू से ही मैंने इसे कट कर लिया है, 2 मैंने इसे पार्ट में कट कर लिया है। तो अब ये जो पहला वाला है इसे मैंने रोल बना दिया अच्छे से, इसे हाथ से मसल कर पहले मैं फ्लैट कर दूंगी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर ही इसे अपने हाथों से, और फिर इसे मैं रोल कर दूंगी। इसे ना रोल करके अच्छे से लॉक करना होगा, नहीं तो क्या जब ये बेक होगा ना तो ये खुल जाएगा और फिर ना टोस्ट अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप है ना इसी तरह से ब्रेड भी बना सकते हैं, सेम यही प्रोसेस होता है ब्रेड का भी, बस अगर आप चाहो तो मैदा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए मैंने यहाँ पे ना ऊपर से भी इसे अच्छे से लॉक कर दिया और साइड से भी इसे मैंने लॉक कर दिया, मैंने बिल्कुल भी यहाँ कहीं पे भी खुला नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे 2 रोल बन जाएंगे और 2 रोल से हम बनाएंगे टोस्ट। तो देखिए पहला रोल बनकर तैयार है, अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला भी रोल बना देती हूँ। और मैंने यहाँ पे फिर एक ले लिया कंटेनर, कंटेनर को मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया है, आप बटर से या घी से ऑयल से किसी से भी कर सकते हैं। और अब ये 1 रोल मैं इसमें रखूँगी और दूसरा वाला मैं दूसरे वाले कंटेनर में रखूँगी। अगर आपके पास में बड़ा कंटेनर है तो आप दोनों रोल थोड़ा ना गैप लगा के आप इसमें रख सकते हैं। तो बस दोनों रोल रेडी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर किया जब तक कि ओवन ना प्रीहीट नहीं हो जाए। और तो अब मेरा ओवन प्रीहीट हो चुका है, 180 डिग्रीज पर मैंने इसे प्रीहीट कर दिया है, और अब मैंने इसे यहाँ पर बेक करने के रख दिया है 15 मिनट के लिए।
तो 35 मिनट्स इसमें आपको दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों भी 35 मिनट्स में मैंने दोनों को भी मैंने बेक कर लिया है। तो देखिए फर्स्ट वाला बेक होके आ गया है बाहर, और मैंने सेकंड वाला अंदर रख दिया है ओवन में। और अब मैंने यहाँ पे एक टूथपिक से देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। मैंने यहाँ पे इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा, लेकिन शाम हो गई है, अब चाय का टाइम होने आ गया है, पेशेंस नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैंने सोचा जैसे फटाफट से ना थोड़ा कट कर लेती हूँ। हल्का हल्का गर्म है तो चलिए अभी इस करते हैं कट। तो मैंने यहाँ पे इस पर लगा दिए कट्स। तो हमें ना थोड़े इसे मोटे साइज़ में ही कट करना है, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे ना तो ये थोड़े और श्रिंक हो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे ये हमारे टोस्ट बनने के लिए रेडी हो गए, और इतने सॉफ्ट बने अभी से। और ये ना रवा है ना, तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये बिखर रहा है, लेकिन ये रवा है इसीलिए थोड़ा थोड़ा बिखरता ही है। तो अब मैं इसे कट करके रख दूँगी, थोड़े से इसे ठंडे होने देंगे, और देखिए कितने अच्छे बने हैं ना। आप चाहो तो ऐसे ही इसे ब्रेड की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ ब्रेड की तरह खाना है तो आप इसे और 5 से 10 मिनट के लिए और आप बेक कर दीजिए, ताकि इसका कलर ना थोड़ा और डार्क ब्राउनिश हो जाए। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ये रवा ब्रेड तो बनकर तैयार है। अब हम इसे बनाते हैं टोस्ट। तो टोस्ट के लिए पहले मैं इसे थोड़ा ठंडा कर देती हूँ, ठंडा होने के बाद में मैं इसे फिर से एक कंटेनर में रखूँगी और उसे रख दूँगी ओवन में। तब देखिए 5 मिनट में ये एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो गए। अब मैंने इसे पलटा दिए सारे। इसे पलटाने के बाद में मैं फिर से और 5 मिनट के लिए इसे रख दूंगी ओवन में, और ये फिर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी। तो किसी को ना ऐसे भी लग रहा होगा कि इतनी मगजमारी क्यों करना है, बाहर हमें इजीली 60-70 रुपीज़ में ये पैकेट मिल जाता है, ला के खा सकते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, देखिए बाहर तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ हम घर में बनाते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, और तो ना उसकी एक जो खुशी मिलती है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है। वो आप 100 रुपये के पैकेट में वो खुशी नहीं मिलती हमें। तो मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर देखिए मेरी चाय भी तैयार है और ये रस्क भी बिल्कुल तैयार है, तो और बहुत ही बढ़िया रस्क बने हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।